हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम टॉपिक जो लेके आ रहे हैं बहुत ही अच्छा टॉपिक है। घर बैठे आप अपनी समस्या को समझ सकते हैं क्या क्या प्रॉब्लम होती है। आज का टॉपिक है 40 के बाद की उम्र वालों को जो समस्या होती है रीडिंग पावर, उसका डिस्क्रिप्शन करने आए हैं, डिस्क्राइब करने आए हैं। रीडिंग पावर में समस्या ये है, 40 के बाद वालों की समस्या। 40 के बाद स्टार्ट ही हो जाता है, तो हम आपको दिखाएंगे रीडिंग पावर क्या होता है, बाइफोकल क्या होता है, प्रोग्रेसिव क्या होता है, कौन सा पहनना आपके लिए ज़्यादा बेहतर होता है, कौन से पहनने से आपको समस्याएं होती हैं, वो सब चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। आइए दिखाते हैं। तो ये लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और होती है जो रीडिंग चश्मा बोला जाता है, रीडिंग चश्मा जो होता है उसमें पूरे में पावर होती है। उसी तरह से आप ये देख सकते हैं बाइफोकल चश्मा। बाइफोकल चश्मा ये होता है जिसमें नीचे पावर होती है, ऊपर जो है ऊपर भी पावर होती है, दूर और पास, डिस्टेंस नियर, अलग अलग पावर इसी में होती है, इसको बाइफोकल बोलते हैं। प्रोग्रेसिव लेंस होता है, प्रोग्रेसिव लेंस में आप देख सकते हैं नियर की पावर, मिडिल पावर, डिस्टेंस पावर। ये सिस्टम मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, ग्लास इस्तेमाल करने के लिए बहुत ही बेटर प्रोग्रेसिव होती है, लेकिन कॉस्टली होने की वजह से सब इफर्ट नहीं कर पाते, हर लोग नहीं इफर्ट कर पाते। तो लोग क्या करते हैं, रीडिंग पावर पहन लेते हैं, एक चश्मा इमरजेंसी के लिए रख लेते हैं। रीडिंग पावर में दोस्तों आइए आपको दिखाते हैं रीडिंग पावर में क्या खूबियाँ होती है। रीडिंग पावर वैसे तो कैरी करने में बहुत ही अच्छा चश्मा होता है, हल्का चश्मा होता है, लाइट वेट कहीं भी रह सकते हैं। बट इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, इसको आपने लगाया, 40 के बाद की समस्या को हम बता रहे हैं। रीडिंग पावर में जो प्रॉब्लम आती है, लोग रीडिंग पावर का चश्मा ले तो लेते हैं, बट इसको लगा के लोग टेबल पे वर्क कर रहे हैं, अपना टेबल पे जब भी वर्क करते हैं तो उनको तो अच्छा दिख रहा है, बट कोई भी आ गया सामने बैठ गया उससे बात करना है तो क्या किया जाता है, चश्मे को या तो ऊपर रख लेते हैं लोग, या तो नाक के नीचे इस तरह से रखते हैं। पहले के लोग जब हम लोग देखते थे तो ऐसे करके बात करते थे। उसका रीज़न हम लोग ये नहीं है कि वो चश्मा लगाना नहीं चाहते, उसका प्रॉब्लम यही है कि पूरे में पावर है। हम डिस्टेंस के लिए बात करेंगे, मिडिल डिस्टेंस की बात करेंगे, तो रीडिंग पावर से प्रॉब्लम क्रिएट होता है। इस तरह से बात करेंगे अगर तो हमें साफ नहीं दिखेगा, ये सिर्फ 1 से 1.5 फीट दिख सकता है, अदरवाइज ये नहीं देख सकते। तो ये कैरी करने वाली समस्या होती है, हल्का होता है बट, लेकिन ये चश्मा आपको कैरी करना पड़ेगा, बार बार हटाना भी पड़ेगा अगर आपको डिस्टेंस पे देखना है। ये प्रॉब्लम होती है रीडिंग पावर में। बाइफोकल में, बाइफोकल एक बजट का चश्मा होता है, बाइफोकल पहना जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, दूर पास एक में होता है, ये आपके बजट अलाउ करेगा। ये हल्का चश्मा होता है, लगाने में भी हल्का होता है, दोनों पावर आपको मिल जाएगी इसमें, दूर और पास। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है, जैसे किसी को सिस्टम पे काम करना हो तो उसको बीच से जो टिक्की बनी होती है, आप टिक्की कहते हैं, बीच से जो टिक्की होती है वो सिस्टम पे काम करने के लिए बीच में ब्लिंक करती है। तो जो सिस्टम मोबाइल फोन कंप्यूटर ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उनको बाइफोकल में प्रॉब्लम आती है। तो दोस्तों बाइफोकल में जब प्रॉब्लम आएगी तो जाहिर सी बात है कोई दूसरा निदान खोजा जाएगा, तो उसके लिए आप बजट थोड़ा सा बढ़ा लेंगे अपना तो आपके लिए वो भी सुविधा है। बाइफोकल की जगह हम प्रोग्रेसिव इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोग्रेसिव में क्या होता है, डिस्टेंस का विजन, मिडिल का विजन, नियर का विजन, तीनों मिल जाएगा। तीनों का मतलब है इससे आप ड्राइव भी आसानी से कर सकते हैं, इससे आप मिडिल चीज़ें मतलब 4-5 फिट 3 फिट, जैसे मोबाइल फोन सिस्टम, कीबोर्ड से सिस्टम को देखना, प्रोग्रेसिव से अच्छे से वर्क आप कर सकते हैं। नियर के लिए आप, नियर के लिए 1 से 1.5 फिट के नीचे पावर इसकी होती है, नियर, मिडिल, डिस्टेंस, तीनों पावर आपको प्रोग्रेसिव लेंस में मिल जाएगी। थोड़ी सी कॉस्टली होती है दोस्तों, लेकिन एक ही चश्मे से आपका सारा वर्क हो जाएगा। ये डिफरेंस आपको हमने दिखाया 3 चश्मे में। इसमें प्रॉब्लम रीडिंग ग्लास में, सिर्फ रीडिंग करेंगे तत्काल हटाना होगा। बाइफोकल में ड्राइव करने में थोड़ा सा ऊंचा खाला, सीढ़ियों से उतरते समय थोड़ा सा ऊंचा खाला दिखेगा आपको, दूर या पास डायरेक्ट पावर होता है इसमें। इसमें आपको तीनों पावर मिलेंगी, थोड़ी सी कॉस्टली है दोस्तों, लेकिन एक ही चश्मे से सारे आपके वर्क हो जाएंगे। इसलिए रीडिंग ग्लास, बाइफोकल ग्लास और प्रोग्रेसिव ग्लास में आप लोग अंतर समझ चुके होंगे। आपको जो सूट करें, जो चीज़ें आपको अच्छी लगें, आपके बजट में हो, वो आप कर सकते हैं। एक ही चश्मा लेके चलना चाह रहे हैं तो आप प्रोग्रेसिव बनाइए, कैरी कर सकते हैं, ऑफिस वर्क जाता है तो रीडिंग ग्लास, बाइफोकल ले सकते हैं, अदरवाइज प्रोग्रेसिव ऑल दी बेस्ट है। सबसे अच्छा तो प्रोग्रेसिव होता है। जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आप लोगों के लिए नए नए वीडियो, इस तरह से अच्छे वीडियो लेके आते रहेंगे। आप लोगों को घर बैठे समझ में आएगी चीज़ें, आपको क्या पहनना चाहिए, क्या नहीं पहनना चाहिए।